देखो मैं यहाँ बैठ के मैम ये बातें बोल रहा हूँ ना, तो लोगों को लगेगा भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग में रिव्यूज देखे तो ऐसा लगता है कि अपनी ऑडियंस है, देन फेक वाला सीन आता है। लेकिन जब मैं पर्सनली यहाँ पे आई ना, और जब मैंने, जैसे मेरी अभी 3-4 फ्रेंड्स यहाँ से ले रही है, तो उनसे भी जब मैंने पूछा तो मुझे भी लगा कि नहीं, एक बार ट्राई तो कर ही लेते, एक बार ट्राई करके देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे पेशेंट से और सुनते हैं उनकी जर्नी यहाँ पर। नमस्कार मैम, इसको माइक को यहाँ पे रखते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। अब मैम यहाँ पे आपका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था? मेरा प्लाज्मा इम्पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था। और कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम थी? 5 to 6 years। और यहाँ पर आप कब आए थे? जुलाई। जुलाई, तो आपको करीबन 6 महीने हो गए। कितना आराम है आपको? मेरे को 60 to 70% अभी रिलीफ है। ठीक है, पहले मतलब आप मेरे को बताइए कि स्किन आपकी कैसी हो गई थी? सर, स्किन मेरी बिल्कुल एकदम ब्लैक हो गई थी और हर जगह स्पॉट्स ही हो गए थे। मैंने कहाँ कहाँ पे ब्लैक थी? मेरे को यहाँ पे दोनों साइड थे एंड नोज पे भी काफी था। फोरहेड पे नहीं था। लेकिन अब ये दिख सकता है क्लियर कि आपकी ना ब्रेकेज होनी शुरू हो गई। हाँ जी, मेरे को काफी इम्प्रूवमेंट है और मैंने अभी बीच में 3 महीने स्किप भी कर दिया। मैंने 4 month कंटिन्यू रखा। मैंने नवम्बर 1st week में आई थी एंड फिर मैं अभी आज तो आपने ऐसे ये छोड़ा क्यों था? एक्चुअली मेरा अभी थीसिस सबमिशन था, मैं ड्यू टू स्टडीज मेरे को 2 महीना स्किप करना पड़ गया। और एक ना अंदर दिमाग में भी हो गया होगा, एक बार छोड़ के देखते हैं कहीं बढ़ेगा तो नहीं। एक्चुअली वो भी थॉट था। एक्चुअली मैंने ना अभी काफी साल, आई थिंक 3 to 4 years मैंने एलोपैथी ट्राई किया, बट उससे मेरे को क्या हुआ कि मैं मेडिसिन लेती थी तब तक रिलीफ रहता था, देन उसके बाद ज्यादा ये हो जाता था मेरे को। आप ये मत सोचो कि मैं आपको यहाँ पे गलत समझूंगा, क्योंकि रीज़न मैं आपको बताता हूँ, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग, उनके मन में ना डर बैठ गया। देखो मैम, मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी मैम के, मैं लिटरली रोने लग गई थी। मैं ऐसे हो गई थी, मैं ट्राई कर रही हूँ बट मेरे को ऐसे होप नहीं थी कि ठीक होगा कि नहीं होगा। बट मैंने मैम के काफ़ी रिव्यू देखे थे, मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि एक बार मैम के पास जाना, उन्होंने भी यहाँ से ट्रीटमेंट लिया हुआ है। तो उसके बाद मैं आई, मेरे को विदिन 1 week मेरे को ऐसे हो गया था कि नहीं मैं हो जाऊंगी। क्योंकि आप यहाँ पे गलत नहीं हो मैम, आपने जैसे छोड़ के देखा ना, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि उन्होंने एलोपैथी में ये सारी चीज़ें फेस की हैं। अच्छा, आपने इससे पहले कहाँ कहाँ इलाज करवाया? एक्चुअली मैंने सोनीपत में 3-4 है, मैंने दिल्ली से भी एक जगह ली थी एंड एक बार मैं कानपुर भी गई थी। अच्छा, दिल्ली या फिर गुड़गांव? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली। हाँ जी। और आप कानपुर ट्रीटमेंट करवाने गए थे? एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, उस टाइम पे मैं वहाँ से 2 month ही लेके आई थी, बट वही दूर था तो मैं 1 महीना मैं वहीं पे रुकी एक्चुअली फ्रेंड के घर पे, ड्यू टू दिस रीजन। तो वहाँ आपने लेजर पीलिंग वगैरह करवाई? नहीं, लेजर नहीं, वो मेडिसिन ही दी थी। मेडिसिन ही दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने ना खाने की कम दी, उन्होंने फेस पे अप्लाई किया। मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, मेरे को कुछ भी मैं लगाती हूँ ना तो मेरे को पिंपल्स, इसको थोड़ा सा पास कर, पिंपल्स एंड ये सब चीजें मेरे को स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनके जो मार्क्स रहते हैं वो और गंदे लगते हैं। अच्छा, लगाने को उन्होंने डे क्रीम दी, नाइट क्रीम, वो इतना एक्टिव हो जाता था ना कि मॉर्निंग में ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ, हाफ एन आवर बाद ये लगाओ, तो मैनेज नहीं हो पाता वो इतना। ये ना हर जगह सेम चल रहा है कि डे क्रीम लगानी है, नाइट क्रीम लगानी है। देखो कोई भी ना उस प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैम की मुझे एक चीज यही सही लगी, उन्होंने मेरे को लगाने के लिए कोई क्रीम नहीं दिया एक्चुअली। हाँ। उन्होंने मेरे को खाने के लिए दो, एक ये भी लगता है कि इंटरनली वो प्योर कर रहा है। आप समझो कि जो ये आपको प्रॉब्लम है ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। ये अगर आप इसको देखो, अगर सपोज करो कोई मेज रखी है, उसके नीचे कोई धूल जमी है, तो आप ऊपर थोड़ी उसको साफ करोगे। यस, वो चीज तो अंदर है ना। तो वही वाली मेरे को एक शेर भी याद आता है कि सारी उम्र बस मैं ये भूल करता रहा कि धूल आईने पे जमी थी और अपना चेहरा साफ करता रहा। तो ये यही वाली प्रॉब्लम है मैम, लोग जिसे और डॉक्टर्स नहीं समझ रहे। देखो मैम, ये नहीं है डॉक्टर्स को पता नहीं है, उन्हें पता सब है, लेकिन वो पेशेंट्स को बेको बना रहे हैं, बांध के रखते हैं वो। एक्चुअली ये है, मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ ना तो मैं ये पूछती हूँ कि हो जाएगा ठीक, तो बोलते हैं बिल्कुल ठीक नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। हाँ। कितना पैसा आप अभी तक खर्च कर चुके हो? ऐसे में काउंट नहीं है, बट मैं अभी बता रही हूँ, मैं जैसे यहाँ पे तो मेरे को महीने का इतना मिलता है, वहाँ पे मैं 1 week का इतने में लेती थी मेडिसिन। 4,000 रुपये आप कह रहे हो कि आप 1 week का ले रहे थे? हाँ।
तो क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका ना ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। बिल्कुल नहीं है। मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो आपने जो मेडिसिन एक केमिस्ट की शॉप से लिया आप वहाँ से कंपेयर मत करो एक डॉक्टर की मेडिसिन को। और एक्चुअली मेरे को एक चीज़ और भी सही लगी इसमें कि जैसे मेरा ट्रीटमेंट जिस चीज़ मेरे को ना माइनर सर्वाइकल का भी इशू है, जैसे सीटिंग ज़्यादा होती है लैपटॉप पे, अब मेरे को 3-4 महीने से नेक में पेन नहीं है। तो मेरे को आप ये बताओ, अभी मेरे को लॉजिक नहीं समझ में किस वजह से। मैं बताता हूँ आपको, लॉजिक बताता हूँ। जो हमारी मेडिसिन है ना वो आपकी बॉडी में ओवरऑल जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो उस पे काम करती हैं। तो आप ले तो झाइयों की रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सर्वाइकल पूरा उससे ठीक हो जाएगा। जो आपको मतलब एक थोड़ा थोड़ा सा जो आपकी शरीर में तकलीफें हैं वो डेफिशिएंसीज हमारी मेडिसिन से आपका वो कवर हो जाएगा। एंड ये आप बताओ कि लोगों के कॉन्स्टिपेशन ठीक हुए हैं, झाइयों की दवाई खा रहे हैं, उनके जोड़ों के दर्द ठीक हुए हैं। अब देखो मैं यहाँ बैठ के मैम ये बातें बोल रहा हूँ ना तो लोगों को लगेगा भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग में रिव्यूज देखा तो ऐसा लगता है कि अपनी ऑडियंस है देन फेक वाला सीन आता है, लेकिन जब मैं पर्सनली यहाँ पे आई ना और जब मैंने जैसे मेरी अभी 3-4 फ्रेंड्स यहाँ से ले रही है तो उनसे भी जब मैंने पूछा तो मुझे भी लगा कि नहीं एक बार ट्राई तो कर ही ले, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आपका मतलब बहुत पैसा भी लगा था, टाइम भी बर्बाद हुआ था। और एक बार आप उस फेज के बारे में बताओ मैम कि जब ये, क्योंकि ये बचपन से तो था नहीं, अचानक से कैसे डेवलप हुआ था ये? एक्चुअली मे भी मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी स्किन को लेके इतना नहीं हूँ, मैं बहुत लापरवाह हूँ। नहीं मैं मुझसे नहीं होता ये क्या होता है कि वो बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वो ये बोलते हैं स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, है ना। तो वो उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि बीटेक देन एमटेक मेरी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। देन मेरे को वही लगा कि मैं हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, उस टाइम पे मैं टीचिंग भी करती थी और स्टडी भी कर रही थी। ये ना हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज होती है ना, अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा फेशियल्स करवा रहे हो तो मे भी कई बार वो रिएक्ट कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा सा हुआ, आपने एलोपैथिक दवाई ली, उसने क्या करा इसको दबाया और तेज स्पीड से उसको वो निकल के आ गए। जब ये अचानक से आप आईने में आपने देखा कि यार ये हो क्या गया, वो कैसा फेस था? आई थी ना तो मेरे फेस पे ऐसा था कि मैं एक्चुअली अभी कोरोना में करोना चला गया लेकिन मेरा मास्क अभी भी था। मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी, मैं उतारती नहीं थी मास्क। ऐसे हो गया था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। मैं मैम के पास आई उस दिन, मैम ने मेरे से ऐसे पूछा कि कैसे हो, मेरा लिटली ऐसे रोना स्टार्ट हो गया। मैम कहती कि हो जाओगे ठीक, मेरे को लगा मुझे नहीं है कि हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी मैम। मैंने ये भी नहीं पूछा कितना टाइम लगेगा मुझे, मैंने बस ये पूछा कि मैं हो जाऊंगी ना ठीक। तो मैम ने बोला कि हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। डिप्रेशन आ गया था इसकी वजह से? सीरियसली बहुत। मैं ऐसे हो गई थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। जो भी लोग ये कहते हैं ना कि आप लोग ये डिप्रेशन वर्ड यूज करते हो, झाइयों से डिप्रेशन कैसे होती है, ये झाइयों से डिप्रेशन ऐसे आता है? एक्चुअली सीरियसली आता। मैं इतना हो गई थी कि मैं बाहर नहीं जाती थी, पेरेंट्स बोलते थे ना चलो, मैं कहा नहीं मेरे को स्टडी करनी, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। आईने में जब आप खुद को देखते थे तो बहुत अजीब लगता होगा, सीरियसली बाहर जाने का मन नहीं करता, मिलने का दोस्तों से, फंक्शन पार्टी अटेंड करने का मन ही नहीं करता होगा। नहीं अब कैसा लग रहा है? अब तो मैं चली जाती हूं। अब चले जाते हूं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कोई यहाँ पे रिंग लाइट वगैरह नहीं लगी, और ये मैम का फेस है बिल्कुल क्लोजअप से। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, कोई भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, ये आप देख सकते हो। पहले बिल्कुल ब्लैक था मैम, चीक और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे अलग से पॉइंट आउट होते थे। अब ये आपको दिख सकता है कि बहुत लाइट हो चुका है, बहुत लाइट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मैं बस ये कहूँगा कि आप इसमें ठीक होने के पीछे एक और कारण था, मैम की दवाई तो थी, आपका विश्वास भी था। हाँ वो स्टार्टिंग में होता ना कि नहीं होता, लेकिन जब मैं 1 वीक में आई एंड देन उसके बाद फिर मेरे को लगा नहीं हो जाएगा। घर पे भी जैसे अभी बोलते ना पेरेंट्स भी, मैंने स्किप कर दिया था, आज मम्मी नहीं बल्कि मेरे को बोला कि चली जा कंटिन्यू रख, जब तक मैम बोलते ना तब तक पूरा ठीक नहीं होता, चली जाओ। फिर आज तो ऑफ है, मैं चली जाती हूँ। दवाई खाने के कितने वक्त बाद आपको आराम मिलना शुरू हो गया था? मैं आई थी जुलाई में, देन फिर उसके बाद मैं बीच में नवारा ट्रीटमेंट के लिए आई थी, उसके बाद मैंने शायद 2 सीटिंग ली थी, उसके बाद मुझे लगने लग गया था, क्योंकि जो मेरे को ऑन द स्पॉट जो एक्टिव थे ना चीजें वो मेरे को सभी क्लियर नहीं हुई थी। ये अगस्त में आप बोल सकते हो, अगस्त में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था, और 1 मंथ लगा, और आपने सिर्फ 4 महीने दवाई लिया, बीच में 3 महीने का गैप दिया है, और फिर भी आपकी पिगमेंटेशन नहीं बढ़ी है।
अभी अपने मुंह से बोल दो एक बार। हाँ, यही चीज मुझे सबसे पॉजिटिव लगी कि मैंने 4 महीने ली और मैं 3 महीने अभी मैंने स्किप करके मैं आज मेरी जितनी तब थी ना उतना ही, मेरे को बढ़ा नहीं है कुछ भी, कम भले ही हुआ है। और ये आप पहले पेशेंट, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बीच में ब्रेक दे रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई हम पैसा भी लगा रहे हैं कहीं ये दोबारा बढ़ के तो नहीं आएंगे। हाँ जी। एंड अब आपको अच्छा फील हो रहा है? हाँ जी। ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव लगा डॉक्टर पास लगा? बिल्कुल भी नहीं, महंगा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं लग रहा, तो जो मतलब जिनके पास इनकम है जो कर अर्न करने हैं उनको तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए एक्सपेंसिव ये। ठीक है। एंड मिलके कैसा लगा डॉक्टर उपासना से? बहुत स्वीट है, मैंने इतना स्वीटली इतना मतलब वो हर चीज इतना जेन्युइनली पूछते हैं ना, इतना मैंने किसी डॉक्टर ने, उनको ये होता है कि हाँ क्या है ये है मेडिसिन लिखती ठीक है ले लेना चले जाना, ये और डॉक्टर ऐसा करते हैं। हाँ, लेकिन मैम के उन्होंने पूछा कितने टाइम से है, अभी कैसा लग रहा है, और कोई इशू तो नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि इसके अलावा आपको कुछ इशू है, नहीं पूछता। मैं कम से कम 7 या 8 डॉक्टर से मिल चुकी हूँ जी, और मैं ये मैम आई थिंक 10th लगा लो मैम होंगे, लेकिन मैंने इतना पोलाइट किसी को नहीं देखा, सीरियसली नहीं देखा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। जितने भी आपके सवाल थे कि एक्सपेंसिव है या फिर दोबारा तो नहीं आएगा, उन सब के मुझे लगता है आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर आप भी अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो वीडियो के बीच बीच में आपको हमारा एड्रेस भी आ रहा होगा, हमारा ऑनलाइन नंबर भी आ रहा होगा। अगर आपको लगता है दिल्ली बहुत दूर है, आप यहाँ आ नहीं सकते हो, तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो। हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।